नमस्कार दोस्तों, बात है 1970s की। इंडिया बहुत सारे सेक्टर्स में डेवलपमेंट कर रहा था और इसी बीच में इंडिया में इंटरनेट की भी शुरुआत हुई। अभी इस इंटरनेट का यूज़ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, मिलिट्री और कुछ जनरल यूज कंप्यूटर नेटवर्क्स के द्वारा ही किया जा रहा था। लेकिन ईयर 1986 पहली बार ईआरनेट लॉन्च किया गया, मतलब एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, जिसके बाद इंटरनेट नेटवर्क एंड रिसर्च कम्युनिटी के द्वारा यूज किया जाने लगा। लेकिन फिर भी ये अभी पब्लिकली अवेलेबल नेटवर्क नहीं था। 15 अगस्त एंड 1995 पहली बार इंटरनेट को पब्लिकली लॉन्च किया गया, इसे पब्लिक नेटवर्क बना दिया गया और उस दिन के बाद से इंडिया में पब्लिकली इंटरनेट की शुरुआत हो गई। BSNL मतलब विदेश संचार निगम लिमिटेड पहली ऐसी इंटरनेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क बनी जिसके जरिए हम इंटरनेट चला सकते थे या फिर इंटरनेट का यूज कर सकते थे। लेकिन उस समय पे BSNL ने इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस के ऊपर एक मोनोपोली सी बना रखी थी और इस सेक्टर में किसी भी प्राइवेट इंटरप्राइज को काम करने की परमिशन ही नहीं थी। गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस या फिर यूं कहें तो GIAS उस टाइम पे इंटरनेट प्रोवाइड करती थी इंडिया में और मैक्सिमम स्पीड जो आती थी वो 9.6 KB/s थी। आज के ज़माने से कंपेयर करें तो ये बहुत कम लगता है, लेकिन उस ज़माने में यही स्पीड बहुत ज़्यादा थी क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे। इंटरनेट की कॉस्टिंग भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा थी। एक इंडिविजुअल पर्सन 250 आवर्स के इंटरनेट यूज़ के लिए 5,200 रुपये तक पे करने पड़ते थे। बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। वहीं अगर किसी इंस्टीट्यूशन की बात करें, इंस्टीट्यूशन लाइन को अगर इंटरनेट यूज़ करना पड़ता था तो उसे 16,200 रुपये पे करने पड़ते थे डायलअप कनेक्शन के लिए। फिर भी अगले 10 साल तक इंटरनेट एक ऐसा ही बोरिंग सा नेटवर्क बना रहा जिसकी मैक्सिमम स्पीड कहीं ना कहीं 50-55 KBPS तक ही अटक के रह जाती थी। ईयर 2004 गवर्नमेंट ने पहली बार इंडिया में ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च किया या फिर यूं कहें तो ऑलवेज ऑन इंटरनेट कनेक्शन। इससे पहले डायलअप कनेक्शंस ही चलाए जाते थे, लेकिन अब ऑलवेज ऑन इंटरनेट कनेक्शंस की शुरुआत हो गई थी, जिसके बाद इंटरनेट के स्पीड में बहुत ज़्यादा फर्क आया। जहां जो इंटरनेट की स्पीड कभी 50-55 KBPS के बीच में अटक के रह जाती थी वो अब 250 KBPS के भी ऊपर जाने लगी थी। जिसके बाद ईयर 2005 एंड उसके बाद इंटरनेट की ब्रॉडबैंड के सर्विस में बहुत ज़्यादा सुधार आया, बहुत ज़्यादा काम किया इस सेक्टर में। लेकिन फिर भी लास्ट माइल एक्सेस और प्रीडोमिनेंट वायरलाइन टेक्नोलॉजी की वजह से जितना सोचा गया था उतना विकास हो नहीं पाया। इस बॉटलनेक को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ईयर 2010 में दूर कर दिया, जब इंडिया में 3G स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की गई और इसी के तुरंत बाद ही कुछ सालों बाद ही 4G के भी स्पेक्ट्रम की ऑक्शन की गई, जिसके बाद नेटवर्क सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हो गया और नेटवर्क की स्पीड में, सर्विसेज में काफी ज्यादा तेजी आ गई। जहां कभी VSNL की मोनोपोली रहती थी इंटरनेशनल कम्युनिकेशंस के ऊपर, किसी और कंपनी को इजाजत नहीं थी काम करने की, वहां अब बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज ने इस सेक्टर में हाथ आजमाया। कुछ सक्सेसफुल भी रही, वहीं कुछ फेल भी हो गई बुरी तरीके से। आज इंडिया में इंटरनेट 27 ईयर्स का हो चुका है। 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 718.74 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं। वहीं एक रिपोर्ट का ऐसा भी कहना है कि ईयर 2025 तक इंडिया में 900 मिलियन से भी ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हो जाएंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो इंडिया 5th सबसे चीपेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंट्री है, जहां पे 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट सिर्फ $0.13 है। इंडियन करेंसी में बात करें तो ये 13.74 रुपीज ही होता है। वहीं दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट की बात करें वो प्रोवाइड करती है इसराइल, जहां पे 1 GB इंटरनेट की कॉस्ट $0.04 है, जो कि इंडियन करेंसी में 3.23 रुपीज ही होती है। और बात करें अगर सबसे महंगे इंटरनेट की, तो सबसे महंगा इंटरनेट $41.06 की, इंडियन रुपीज में बात करें 3,319.82 रुपीज। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये इंटरनेट की कॉस्टिंग है एक ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी सेंट हेलेना की। कुछ पड़ोसी देश के इंटरनेट की कॉस्टिंग आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं इसे। मई 2014 की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में 9 different fiber lines हैं जिसके थ्रू इंटरनेट इंडिया में डिलीवर होता है, जिसमें सी मे वेस्ट, बे ऑफ बंगाल गेटवे और यूरोप इंडिया गेटवे शामिल हैं, जो कि इंडिया में 5 different landing points पे आके डिलीवर होती हैं और वहाँ से पूरे इंडिया में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिलहाल देश में 5G लॉन्च हो चुका है और आशा है कि जल्द ही देश का हर एक नागरिक 5G का मजा उठा पाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नई वीडियो में। तब तक इस वीडियो को प्यार देते रहिए और अपना ध्यान रखिएगा।